नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर का यह जो है वो थाना है, नक्सल थाना भवन फतेहपुर। और यहां पे एसएसपी का जो है वो औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी जस्ट यहां पे एसएसपी पहुंची हैं और निरीक्षण किया जा रहा है। थाना का जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी सुंदर है और सराहनीय है। यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सख्ती से तैनात हैं। और हालांकि किस रीज़न से यहाँ एसएसपी का आना हुआ है, हालांकि ऐसे भी जितने भी पुलिस अधीक्षक होते हैं उनका थाना में जो है वो औचक निरीक्षण किया जाता है। विशेषकर हमारी कोशिश रहेगी एसएसपी से बात करने की कि क्या वजह है फतेहपुर थाने आने की और यहाँ पे क्या खास कमी दिखाई पड़ी, और गया जिला सहित फतेहपुर में जैसे जो बाइकर्स गैंग है जो काफ़ी सक्रिय हैं, जो बराबर यह शिकायत आता है कि यहाँ बाइक चोरी हो रही है, तो आखिर इन सभी चीज़ों पे क्राइम रेट आखिर कैसे कम होगी, इस मामले पर भी मैं कोशिश करूँगा कि एसएसपी से बातचीत हो जाए। धन्यवाद। गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने फतेहपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में दर्ज कई कांडों का उन्होंने समीक्षा किया। गया एसएसपी हरप्रीत कौर लगभग 2 घंटे तक फतेहपुर थाने में मौजूद रही। वही संबंधित केस आयोग को दर्ज कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिया। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वही थाना अध्यक्ष राहुल रंजन से क्षेत्र में विधि व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। फतेहपुर में विधि व्यवस्था को बेहतर स्थिति बनाने के लिए फतेहपुर थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया गया। जघन अपराध शराब कांड के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संबंधित कांड के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना में रहे स्टेशन डायरी, गुंडा पंजी, लूट पंजी, डकैती पंजी, उग्रवादी पंजी सहित कई पंजियों का जांच किया। इस दौरान बजरगंज मानपुर सर्किल इंस्पेक्टर नागेश्वर यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे।